मैं पढ़ता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ, लेकिन बैठ जाइए, आप ऐसे बैठ जाइए जैसे भी पैदा ही नहीं हुए, बैठ जाइए। आप बेवक्त खड़े हो जाते हैं, मैं समझा आप चुनाव उनाव में तो नहीं खड़े हो गए। मैं पेश, देखिए ये हाईवे पर देखो ट्रक आने लगे, बैठ जाइए भाई प्लीज। आपको अल्लाह ने खाने के लिए दो हाथ दिए, देखने के लिए दो आंखें, बैठने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। वरना सुना यह है कि जब कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती वो गायब हो जाती है। मैं पेश करता हूं, मैं भाभी से ही मैंने इजाजत मांगी और मुझे मालूम है कितने मिनट मेरे हिस्से में आए थे, मैंने सिर्फ उतना वक्त लिया, लेकिन हुक्म है मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे करम फरमा जिन्होंने इस खोटे सिक्के को चलाया, हजरत अनवर जलालपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। मुझे याद आता है कि मैं पहली मरतब मुंबई में जिंदगी में आया था तो हजरत अनवर जलालपुरी साहब मुझे लेकर आए थे। जी जी मैं अच्छा, जनता चीख रही है, मैं पेश, लेकिन उससे कबल एक मतले की इजाजत है, इजाजत पेश करता हूं जो उससे कबल ये चार मिसरों के का जो हुक्म दिया है मैं पेश करता हूं, सुनिएगा। हालांकि आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, मुझे जो चंद कतात का हुक्म है उससे कबल एक मतला, एक शेर से कबल मुझे चार मिसरों की इजाजत दे दे, मैं पेश कर, सुनिएगा बतौर खास समाज फरमाए। भलाई का सिला इस दौर मैं अब कौन देता है, मेरा मूड बना देना, थोड़ा सा जुड़ जाना, और माइक बहुत अच्छा है। नहीं नहीं बहुत अच्छा, यकीन मानिए बहुत अच्छा है। भलाई का सिला इस दौर मैं अब कौन देता है, देखिए माइक सही कराने का ये भी तरीका है सही कराने का, कि मेरे साथ अक्सर वाकया ऐसा भी होता है। जुड़ जाना पीछे के लोग तीसरे चौथे मिसरे पर। भलाई का सिला इस दौर मैं अब कौन देता है, कि मेरे साथ अक्सर वाकया ऐसा भी होता है। बुलंदी की तरफ हाशिम मैं जब भी बढ़ने लगता हूँ, गवंडी वालों पेश करता हूँ। बुलंदी की तरफ हाशिम मैं जब भी बढ़ने लगता हूँ, मेरा अपना ही कोई पांव मेरा खींच लेता है। बहुत अच्छे, ही कोई पांव। और हजरत जी बहुत शुक्रिया, और सच्चाई है हाजरीन कि मैं इस वक्त एक ऐसे मरहले से गुजर रहा हूँ, हालांकि मुस्तकबिल में क्या होना ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जितना बड़ा नुकसान हुआ है मुस्तकबिल में अब नहीं हो सकता। मैंने अभी दो ढाई महीने कब्र अपनी वालदा को खोया है। मैं पेश करता हूँ चार मिसरों उसके हवाले से। मैंने यूं भी कहा था कि जिंदगी बस तेरे चेहरे की तमन्नाई है, जिंदगी बस तेरे चेहरे की तमन्नाई है, मैंने खुशियों में भी आंखों में नमी पाई है, जब बटन शर्ट का टूटा तो उसी दम मुझको माँ मुझे आज तेरी याद बहुत आई है। चार मिसरे पेश करता हूं। मैं रोज सफर करता, जब मेरी वालदा हयात थी रोज सफर करता था, रोज मेरे वालिद साहब मुझे फोन करते थे, बेटा कल कहाँ जाओगे, तो मैं बताता कल दिल्ली जाऊंगा, फिर फोन आता कल कहाँ जाओगे, बोले कल मुंबई जाऊंगा, फिर फोन आता कल कहाँ जाओगे, कल दुबई जाऊंगा। कभी कभी वालदा का फोन आता था, वो कभी नहीं कहती कल कहाँ जाओगे, वो कहती थी घर कब आओगे। चार मिसरे पेश करता, आप मेरी सारी शायरी पर खामोश बैठे उसके लिए मुझे कुछ नहीं, लेकिन चार मिसरे सभी की दुआएं मिलना चाहिए। पेश करता हूं। ये दौलत भी अजब शे है हमें मगरूर करती है। मेरे भाई नदीम नैयर साहब तशरीफ रखते हैं, उनसे खास दुआएं चाहता हूं, वो मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। ये दौलत भी अजब शे है हमें मगरूर करती है, किसी के पास करती है किसी से दूर करती है। सभी खुश हैं मेरे पर्दे सुमे दौलत कमाने से, सभी
मेरी माँ है जो इस दौलत को ना मंजूर करती है, मेरी माँ है जो इसको यही कहती थी चाहे 10 रुपए कमा लेकिन मेरे पास रहे, मेरे पास मौजूद रहे। मेरी माँ है जो इस, और नौजवानों एक मशवरा देता हूं, तुम्हारे हाथ से जन्नत की चाबी छूट जाएगी, तुम्हारे हाथ से जन्नत की चाबी छूट जाएगी, तुम्हारे हाथ से जन्नत की चाबी छूट जाएगी, तुम्हारी मगर एक पल को तुमसे रूठ जाएगी, तुम्हारी मगर एक पल रूठ जाएगी। यहां से नज्म का माहौल और एक मतला मैं जिस नज्म का हुक्म दिया है और जिस वक्त आप खामोश गए मैं नज्म बीच में छोड़कर अपनी जगह ले लूंगा, यहां से मतला पढ़ता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, बताना बताना ये संजय दीना पाटिल के दीवाने हैं, उनके मोहब्बत में आए उर्दू के दीवाने हैं, और अक्सर आप पर इल्जाम रहा है कि मुशायरों में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बात होती है। लोगों ने मुझे तो रास्ता दिखा दिया लेकिन खुद उसी रास्ते में नहीं। मैं करूं तो साला करके मैं एक मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, मुझे यकीन है कोई खामोश नहीं बैठेगा इंशाल्लाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। आई यहां से नज़्म शुरू करता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, मैं अक्सर कहता हूं कि ये आवाज दिल्ली की आवाज से ज्यादा मजबूत होगी, बताएंगे आपके मैं सच बोल रहा हूं झूठ। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की ये कैसेट फंस गई, जब तक आपके हाथ नहीं खुलेंगे मैं यहीं पढ़ता रहूंगा। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है, के जनता चीख। अगर जनता इतने धीरे से चीखेगी दिल्ली तक आवाज पहुंच गई, लेकिन नहीं, अगर गुवंडी की जनता धीरे से भी चीखेगी तो संजय भाई दिल्ली तक आवाज तुम्हारी पहुंचा देंगे। पेश करता हूं लेकिन हर मिसरे पर मेरे साथ चले। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही। आइए बंद पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। बीच वालों, बीच वाले बड़े खतरे में हैं, और वे बीच वाले किसी काम के होते भी नहीं। अगर काम के हैं तो मुझे बताएं। पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, ये लोग तो ऐसा लग रहा है किसी दावत में आए हुए, अल्लाह करे आप भी जुड़ जाएं, वरना ऐसी दुआ दे दूंगा कुर्सी निकल जाएगी। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। मैं सच बोल रहा हूं जबकि मुझसे कहा जाता है कि हाशिम साहब सच मत बोला करो, लेकिन मैं गुवंडी में सच बोल रहा हूं, मेरे सच की हिफाजत करना। पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार के जनता चीख रही है,
कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। हजरत बंद पेश करता हूं, लगता है आप थक गए, बंद पेश करता हूं, अगर आप थक गए होंगे तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। पेश करता हूं कि जनता चीख रही है, खास तौर से अपने बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूं। कुछ संपादक है बाजारी है जिनका कलम भी सरकारी, कुछ संपादक है बाजारी है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है। और अदा वो बंद जिसके लिए पूरी नज्म कही गई, पेश करता हूं। चमका है धर्म का धंधा भी, नदीम भाई, चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी। मैं बाबा का नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी। मैं बंद पेश करता हूं, खासतौर से जो बंद आपके लिए लेकर आया था, मैं इस बंद में कुछ लाइन भूल रहा हूं। कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। मुंबई में मुंबई का बंद है, जिस्म में मुंबई के छाले, ये जख्म नहीं भरने वाले। सवाल आपका है, है जिस्म में मुंबई के छाले, ये जख्म नहीं भरने वाले, जो लोग हैं इसके रखवाले, वो जहर के देते हैं प्याले। ये बम जो फटते हैं हर बार, बताओ कौन है जिम्मेदार, के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और हजरत ये बंद, बिल्ली का दूध पे पहरा है, क्या इसके लिए मुझे तमीज बांधना पड़ेगी? बिल्ली समझ गए, लेकिन आखिरी बंद मिश्रा बताए कि आप समझे या नहीं। अगर समझ में ना भी आए तो इसलिए दाद देना कि आप समझदार साबित हो जाएं। बिल्ली का दूध पे पहरा है, भाभी बिल्ली का दूध पे पहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है, उलझन में यहाँ हर बंदा है, शैतान भी अब शर्मिंदा है। भंवर के हाथ में है पतवार, के होगी कैसे कश्ती पार, के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है। और आजाद वो बंद जिसके लिए नज्म कही गई, पेश करता हूं। महंगाई ने की किस्मत खोटी, हर चीज हुई कद में छोटी। महंगाई ने की किस्मत खोटी, हर चीज हुई कद में छोटी, कैसा बंगला कैसी कोठी, दो वक्त की मुश्किल है रोटी। पड़ी यूं महंगाई की मार, के बच्चे भूख से हैं बेजार, के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है।